कुढ़नी उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार भाजपा होली और दिवाली मना रही है, लेकिन इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार को अब तक भारतीय जनता पार्टी ने थैंक यू नहीं कहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, जिन्होंने चुनावी प्रचार के आखिरी दिन एक इतने बड़े जनसभा को संबोधित किया जिसके बाद जो हवा कुढ़नी का था उसको उन्होंने बदल दिया। लेकिन अभी बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान को किसी ने भी धन्यवाद नहीं दिया है। दरअसल कुढ़नी में जो जीत का जश्न बीजेपी मना रही है उसमें उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को एक दफे भी शुक्रिया नहीं कहा है। लेकिन चिराग फैक्टर ही बिहार में बीजेपी की जान बचा रहा है। पहले गोपालगंज और कुढ़नी में जो उपचुनाव में जीत बीजेपी को मिली उसका सबसे बड़ा किसी ने तस्वीर बदला तो वो चिराग पासवान है। कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की 3649 वोट से जीत हुई। अब इस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण हम आपको बताते हैं। कुढ़नी में पासवान जाति के वोटरों की तादाद लगभग 10,000 है। अहम बात यह भी है कि पासवान जाति के वोटरों का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। अगर ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं होता तो कुढ़नी का हाल क्या होता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल कुढ़नी में भाजपा की जीत की रूपरेखा तैयार करने में चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई। 3 दिसंबर को जब विधानसभा क्षेत्र में प्रचार समाप्त हो रहा था तो चिराग पासवान वहां जनसभा करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिराग पासवान की जनसभा में जो भीड़ उमड़ी वैसी भीड़ बीजेपी के किसी नेता के सभा में नहीं उमड़ी थी। चिराग की सभा में आई भीड़ नीतीश तेजस्वी की साझा जनसभा से भी कम नहीं थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग की बड़ी जनसभा ने वोटरों के बीच बड़ा मैसेज दिया। कुढ़नी के वोटरों की बड़ी जमात उस वक्त तक संशय की स्थिति में थी, लेकिन चिराग की सभा के बाद उन्हें लगा कि लड़ाई तो बीजेपी और जेडीयू के बीच ही है और बीजेपी की स्थिति मजबूत है, बाकी पार्टियां तो वोट काट रही है। पश्चिम बिहार ने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाताओं से बात भी की। उनका कहना था कि चिराग की सभा के बाद न सिर्फ पासवान वोटर आक्रामकता के साथ बीजेपी के साथ आ गए बल्कि इसका मैसेज घुमियारों में भी गया। उससे पहले मुकेश सहनी की पार्टी से खड़े घुमियार उम्मीदवार के पक्ष में उनके स्वजातीय वोटरों का अच्छा खासा जमा खड़ा था। उस तबके से ये मैसेज गया कि वीआईपी उम्मीदवार सिर्फ वोट काट सकता है, जीत किसी सूरत में हासिल नहीं होनी है, लिहाजा आखिरी दौर में उनका मिजाज बदला। बता दें कि इससे पहले गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी सिर्फ 2183 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। चिराग ने वहां भी प्रचार कर अपने आधार वोटरों को बीजेपी में ट्रांसफर कराया था। गोपालगंज में भी पासवान वोटरों की तादाद लगभग 10,000 के करीब है। वहां भी चिराग फैक्टर काम नहीं करता तो शायद परिणाम कुछ और होता। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीते 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान संजीवनी बने हैं, ऐसे में अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके द्वारा किए गए वोट ट्रांसफर पर किसी ने कुछ नहीं कहा और चिराग पासवान को अब तक बीजेपी की तरफ से धन्यवाद भी नहीं दिया गया। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।